तो ये वो खेत है जिसमें आपने 23 किलो बीज को यूज किया है। हाँ जी। और ये बिजाई कब की है? ये जी 5 ही की है जी। 5 ही है, दोनों नवंबर की ही ये भी बिजाई है। हाँ जी। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ खेत को, खेत में मुझे तो कोई ऐसा चेंज नजर नहीं आ रहा कि इसमें जो है मतलब पौधों की संख्या कम है, सेम है, ग्रोथ कम है, सेम जो है इसकी भी पोजीशन है। हाँ जी। तो अगर एक तरफ तो हम 23 किलो बीज यूज कर रहे हैं और एक तरफ आम जो किसान है वो मेरे ख्याल 40 किलो बीज यूज करता है। हाँ जी। ठीक है, तो सीधा सीधा 17 किलो हमने यहाँ पे सीड को कम कर लिया। तो अगर इस तरीके से अगर कोई बड़ा जमींदार है, 20-30 एकड़ का जमींदार है, तो अगर हम सीड की बात करें 20 एकड़ में, तो 17 × 34 साढ़े 3 क्विंटल तो हमने सीड बचा लिया। और उसके बाद जैसा आपने बताया कि आप पिछले कुछ समय से इस तरह के ट्रायल कर रहे हैं जी, पिछली बार तो प्रोडक्शन भी बढ़ के आता है इसमें। बढ़ के आता है जी, दाना मोटा होगा जी, पेड्डा ग्रोथ बढ़िया लेगा। हाँ जी, हाँ जी। जितना ही थोड़े उसमें जंगों भी तो मिलनी चाहिए ना पेड्डे ने खुराक लेने के लिए। ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा बीज बोएंगे तो ब्रीक होता है दाना, प्रोडक्शन उतनी होगी। ठीक है जी, ठीक है। तो इसमें भी उतनी हो रही, उसमें भी उतनी हो रही। 4 फुट पर गन्ना बो रहे, पहले 2.5 पर बो कर रहे थे। हाँ जी, जब भी इतनी था। हाँ। 4 पर बो रहे तब भी इतना ही है। ठीक है, मतलब हमारे जो पौधा जो हमने खेत में हमने तैयार कर जिसको कर रहे हैं, हाँ, उसको प्रॉपर वेंटिलेशन भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर पौधों की संख्या ज़्यादा होगी तो वेंटिलेशन की समस्या उसको रहेगी, उसमें ग्रोथ भी कम रहेगी और उसमें प्रोडक्शन भी जो है उस तरीके से वेरी करेगा, उसका पौधे का जो दाने का जो साइज है वो कम रहेगा। इसका तो बीज का जी 30 किलो एकड़ में बता रखे, 303 बीज है जी। अच्छा, करनाल से लेने जी, जी जी जी। तो ये तो डॉक्टर भी कहा 30 किलो बोना, लोग इसने भी फालतू बोरे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो मेरी कोशिश रहती है कि इस तरह के कहीं भी कोई ऐसे रिजल्ट्स या कोई ऐसी नई चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं तो मैं आप लोगों को शेयर जरूर करता हूँ। और कायाकल्प और फसल रक्षक को आपने पहली बार यूज़ किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके रिजल्ट्स को देखकर दूसरे किसानों के लिए आपका कोई मैसेज? मैसेज तो यही है जी, बहुत बढ़िया सौदा है खेती वास्ता। पानी कलर की समस्या, पानी की रंग काला है जी, जी। जो पीलापन हो जाता पहले पानी के बाद। हाँ वो भी दिखाऊंगा जी, जिसमें नहीं गिर उसमें पीलापन है, आधा किला अलग रख रखे स्पेशल। ठीक है जी, वही